फिल्मी किस्से बहराकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1983 की फिल्म अंधा कानून से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अंधा कानून के कलाकार थे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना रॉय, प्राण, प्रेम चोपड़ा, डैनी, अमरीश पुरी, मदन पुरी, ओम शिवपुरी, असरानी, आगा, माधवी। एक छोटे गेस्ट रोल में धर्मेंद्र। फिल्म लिखी थी शोभा चंद्रशेखर ने, डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता ए पूर्ण चंद्रा राव, निर्देशक टी रामाराव। 1981 में एक तमिल फिल्म आई थी सत्तम ओरु इरुत्रे जो बहुत कामयाब हुई। उसी साल 1981 में उसकी तेलुगु रीमेक बनी चट्टानिकी कल्लू लेबू। 1982 में इसकी मलयालम रीमेक बनी मातुबिन चटंगले। उसी साल 1982 में कन्नड़ा रीमेक बनी न्याय एलिदे। अंधा कानून इसकी हिंदी रीमेक थी। पहले 1981 में इसे हिंदी में बनाने का प्लान बनाया था जितेंद्र और प्रवीण बाबी के साथ। जितेंद्र ने इस फिल्म के लिए बहुत पैसे मांगे क्योंकि जितेंद्र निर्माता एपी राव और निर्देशक टी रामाराव के साथ मांग भरो सजना और एक ही भूल जैसी कामयाब फिल्में दे चुके थे, पर इस फिल्म के लिए एपी राव ने जितेंद्र को इतने पैसे देने से इनकार कर दिया और ये फैसला किया कि इस फिल्म के साथ रजनीकांत को हिंदी फिल्मों में लॉन्च करूंगा। ए पूर्णचंद्रा राव ने रजनीकांत को साइन कर लिया। अब प्रवीण बॉबी ने कहा कि जितेंद्र फिल्म में नहीं है, मैं साउथ के हीरो के साथ काम नहीं करूंगी। उन्होंने फिल्म छोड़ दी। रजनीकांत के साथ पेयर करने के लिए निर्माता ने रीना रॉय को साइन किया। ये भी कहा जाता है कि रीना रॉय से पूछा गया था कि आपको अमिताभ की पत्नी वाला छोटा रोल करना है या रजनीकांत के अपोजिट हीरोइन का। रीना रॉय ने रजनीकांत के अपोजिट वाला रोल चुना। रजनीकांत के बचपन का रोल हरीश ने निभाया था। हरीश की एज हीरो पहली हिंदी फिल्म थी प्रेम कैदी, जो करिश्मा कपूर की भी पहली हिंदी फिल्म थी। अंधा कानून में रजनीकांत की बहन इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह के रोल के लिए पहले ही हेमा मालिनी को फाइनल किया जा चुका था। कहानी में तीन मेन विलेन चुने गए, प्रेम चोपड़ा, डैनी और प्राण। उनके नाम रखे गए अमर, अकबर, एंथोनी। प्राण ने बहुत साल के गैप के बाद फिर से नेगेटिव रोल किया था। ये इकलौती फिल्म है जिसमें अमिताभ हैं और प्राण ने विलन का किरदार निभाया है। हालांकि दोनों का साथ में कोई सीन नहीं है, कहानी में आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है। अमिताभ स्टारर कोई और फिल्म ऐसी हो जिसमें प्राण विलेन बने हों तो आप कमेंट करके बताएं। कहानी में एक और इम्पोर्टेंट नेगेटिव रोल के लिए अमरीश पुरी को चुना गया। अमिताभ की पत्नी का रोल माधवी को दिया गया। माधवी ने अमिताभ के साथ पहली बार इस फिल्म में काम किया था, इसके बाद गिरफ्तार और अग्निपथ में काम किया। अमिताभ को इस रोल के लिए कैसे चुना गया इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब अमिताभ को साउथ की ओरिजिनल फिल्म दिखाई गई तो उनसे पूछा गया कि आपको मेन हीरो का रोल करना है या एक फॉरेस्ट ऑफिसर का छोटा सा रोल। अमिताभ ने छोटा रोल चुना। अमिताभ ने इस फिल्म में काम करने के बारे में ये बताया था कि बहुत साल पहले मेरी एक फिल्म बन रही थी, एक था चंदर एक थी सुधा, जो लगभग बंद हो गई थी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर मेरी पोजीशन खराब थी। इतने में जंजीर हिट हो गई और मुझे काफी काम मिलने लगा, हालात बेहतर हो रहे थे। एक था चंदर एक थी सुधा का काम फिर शुरू करने की बात चली, पर वो प्रोजेक्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुझे और कई फिल्में मिल रही थी। उस समय साउथ के निर्माता ए पूर्णचंद्रा राव ने एक था चंदर एक थी सुधा के निर्माता कैलाश कपूर से कहा कि अमिताभ का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हवाले कर दो और तुम्हारी फिल्म पर जो खर्चा हुआ है मैं कंपनसेट कर दूंगा। उनकी आपसी बातचीत में सब तय हो गया और उस फिल्म के लिए अमिताभ के कॉन्ट्रैक्ट के मालिक अब ए पूर्णचंद्रा राव हो गए। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इंटरनेट पर कई जगह गलत इन्फॉर्मेशन है कि एक था चंदर एक थी सुधा में अमिताभ और रेखा पर एक गाना फिल्माया गया था जो बाद में संजय खान और रेखा पर फिल्माया गया। वो फिल्म एक था चंदर एक थी सुधा नहीं थी, उसका नाम था अपना पराया, जिसमें से अमिताभ को निकालकर संजय खान को लिया गया था और उस फिल्म को दुनिया का मेला नाम से 1974 में रिलीज किया गया था। एक था चंदर एक थी सुधा में रेखा ने अमिताभ के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, उसकी हीरोइन थी जया भादुड़ी। बहरहाल एक था चंदर एक थी सुधा का अमिताभ का कॉन्ट्रैक्ट अब ए पूर्णचंद्रा राव के पास था। अमिताभ ने बताया था कि इस बात के बहुत साल बाद निर्माता एपी राव ने मुझसे कहा कि उनकी एक फिल्म बन रही है
जिसमें हेमा जी हैं और रजनीकांत हैं, उसमें आपको छोटा सा गेस्ट रोल करना है। मैंने गेस्ट रोल के हिसाब से फिल्म में काम शुरू किया था, पर रोल काफी एक्सटेंडेड हो गया था। बहुत जगह ये इन्फॉर्मेशन भी है कि अमिताभ ने सिर्फ 5 दिन के लिए अंधा कानून फिल्म की शूटिंग की थी, पर साउथ के मेकर्स जैसे शुरू से ही बहुत प्लान रहे हैं, उन्होंने 5 दिन में ही अमिताभ से काम ऐसे करवाया कि पूरी फिल्म में अमिताभ की प्रेजेंस नजर आती है। अमिताभ का रोल लगभग 35 मिनट की फिल्म निकल जाने के बाद शुरू होता है। 1960 में बी.आर. चोपड़ा की बनाई फिल्म आई थी कानून, जिसके बारे में एक स्पेशल एपिसोड बना हुआ है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। कानून के शुरू में जीवन एक कत्ल करते हैं और अदालत में उन पर केस चलता है। वो अदालत में कहते हैं कि जिस आदमी का खून मैंने अब किया है, उस आदमी के खून के इल्जाम में मैं पहले ही सजा काट चुका हूँ। एक ही जुर्म के लिए मुझे कानून दोबारा सजा नहीं दे सकता। यहाँ अंधा कानून में अमिताभ की कहानी का मेन आधार ही ये था। वो पोर्शन बहुत इम्पैक्टफुल था। जेल में जब अमिताभ अपनी पत्नी माधवी की आखिरी चिट्ठी पढ़ते हैं, वो सीन ऑडियंस को पूरी तरह झंझोड़ देता है। फिर भरी अदालत में अमरीश पुरी को मारना और वहाँ अमिताभ के डायलॉग्स, बहुत ज्यादा असरदार पोर्शन था। क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? 2 बार सजा नहीं दे सकता। ये अंधा कानून है। अमिताभ ने जिस एनर्जी और अग्रेशन के साथ वो डायलॉग्स बोले हैं, उस सीन में किसी और एक्टर को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और अगर आप मुझे सजा देना ही चाहते तो पहले मेरे वो साल लौटाइए जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में काटी। मेरी जकिया की आबरू लौटाइए योर ऑनर। मेरी नीलों को कब से निकाल कर मेरी गोद में लाइए योर ऑनर। जवाब दीजिए जज साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। ओवरऑल अमिताभ की कहानी का पूरा फ्लैशबैक ऑडियंस को इस तरह एंगेज कर लेता है कि ये फिल्म की मेन कहानी पर हावी हो जाता है। मेन कहानी हेमा मालिनी और उनके भाई रजनीकांत के परिवार के साथ हुए जुल्म और उसके बदले की है, पर अमिताभ शो स्टेलर साबित हुए। अमिताभ के कैरेक्टर का नाम जानिसार अख्तर था। जानिसार अख्तर शायर थे, गीतकार थे, जावेद अख्तर के पिता थे। कहते हैं निर्माता ने जानबूझ के ये नाम रखा था क्योंकि वो जानिसार अख्तर को बहुत पसंद करते थे। रजनीकांत की ये पहली हिंदी फिल्म थी और हिंदी ऑडियंस में रजनीकांत इसी फिल्म से पॉपुलर हो गए थे। हेमा उस समय टॉप फीमेल स्टार थीं। फिल्म में उनका रोल रजनीकांत के बराबर था। उनकी स्टार प्रेजेंस से फिल्म को बहुत मदद मिली। उनके साथ इस फिल्म में कोई हीरो पेयर्ड नहीं था। उनका कोई रोमांटिक एंगल इस फिल्म में नहीं था। रीना राय का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। गाने गाना उनका मेन काम रहा, फिर भी उनका काम अच्छा था, वो खूबसूरत लगी। फिल्म नॉर्मल मसाला फिल्म थी, बदले की कहानी थी, पर इसी कहानी को बहुत एक्टिवली, बहुत तेज पेस के साथ पर्दे पर पेश किया गया। हर सीन असरदार था। गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के मूड के हिसाब से पूरी तरह सूटेबल थे। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, ओ मेरी बहना, मेरा भैया दीवाना है। एक तरफ हम तुम, तरफ सारे, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। फिल्म के टाइटल अंधा कानून को फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले में बहुत बार साबित किया गया। अमिताभ पर फिल्माया टाइटल सॉन्ग फिल्म में बार बार चलता है और हर बार बहुत सही जगह प्लेस किया गया है। अपने परिवार के साथ हुए जुल्म का बदला, रजनीकांत उन 3 क्रिमिनल्स को जान से मार कर लेते हैं। उन तीनों को मारने का तरीका भी ऐसा है कि कानून सब कुछ जानते हुए भी रजनीकांत को गिरफ्तार नहीं कर सकता। बचपन में उनके बाप और बहन को मार के जैसे क्रिमिनल्स बेगुनाह साबित हुए थे, उसी तरह आखिरी विलन प्राण को मार के रजनीकांत बेगुनाह साबित होते हैं। कहानी में बार बार ये साबित किया गया कि सबूत और गवाहों पर चलने वाला कानून बहुत बार गलत फैसला कर सकता है। फिल्म की रिलीज के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्माता को सीयू किया कि फिल्म में भरी अदालत में मर्डर होता दिखाया गया है। इसके कुछ दिनों के अंदर ही 2 ऐसे केसेस सामने आए कि भरी अदालत में मर्डर हुआ। इलाहाबाद कोर्ट ने निर्माता पर लगाए चार्जेस ड्रॉप कर दिए।
अंधा कानून के बाद निर्देशक टी रामा राव ने अमिताभ बच्चन को दो फिल्मों के लिए साइन किया था, खबरदार और इनकलाब। इनकलाब 1984 में रिलीज हो गई थी। खबरदार के निर्माता ए पूर्णचंद्रा राव ही थे। इसे 1984 में रिलीज होना था। फिल्म 90% कंप्लीट हो चुकी थी। इसमें अमिताभ बच्चन, कमल हासन, श्रीदेवी और जयप्रदा थे। फिल्म का सब्जेक्ट था मर्सी किलिंग। इसमें कमल हासन मरीज थे, अमिताभ डॉक्टर। कमल हासन की इच्छा के अनुसार अमिताभ ने उन्हें जिंदगी से आजाद करना था। इसका क्लाइमेक्स शूट करने से पहले अमिताभ समेत बाकी सब लोग इस बात से परेशान थे कि ऑडियंस इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। इसका असर अमिताभ की इमेज पर पड़ने वाला था। इसका क्लाइमेक्स चेंज करने के बारे में विचार होने लगा। इस बीच अमिताभ पॉलिटिक्स में बिजी हो गए और ये फिल्म कंप्लीट हो ही नहीं पाई। बाद में निर्माता ए पूर्णचंद्रा राव को कंपनसेट करने के लिए अमिताभ, श्रीदेवी और जयप्रदा ने उनकी फिल्म आखिरी रास्ता में ऑलमोस्ट फ्री में काम किया था। आखिरी रास्ता 1986 में आई। इसके निर्देशक थे के भाग्यराज। अंधा कानून को 95% ओपनिंग मिली थी। इसकी नेट कलेक्शन थी 5 करोड़। फिल्म हिट थी। इसके साथ ही अंधा कानून के बारे में ये एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।